नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। मेरा नाम है यश जाट और दोस्तों आप सभी की डिमांड पर आज हम फील्ड के अंदर कंपैरिजन करेंगे। तीन ट्रैक्टर मेरे साथ है, कुबोटा MU 4501, मेसी 241 और फार्मटेक 45। इन तीनों ही ट्रैक्टर को हम खेत में चलाएंगे। इनका डीजल देखेंगे कि कितना डीजल कितने एरिया में खाता है, कितना स्लिपेज करता है, कितनी गहराई पर यह जुताई करता है। तो आज के इस वीडियो में हम प्लो के साथ इनका टेस्ट करेंगे। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ML हमने डीजल डाल दिया है छोटी टैंक में और पीछे जो है प्लाव लगा है। एरिया और कितना डीजल खपत होती है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता रहूँगा। 10 मिनट हम इस ट्रैक्टर को चला के देखेंगे, 10 मिनट के अंदर कितना एरिया ये लेता है, साथ ही कितना डीजल लेता है, वो तीनों ही ट्रैक्टर का बारी बारी पर हम आपको स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे और अंत में जो रिजल्ट है वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे। दस मिनट उनपचास सेकंड।
सभी किसान भाइयों के सामने हमने तीनों ही ट्रैक्टर का प्लो के साथ टेस्ट किया है। हमारे किसान भाई भी यहाँ पर खड़े हैं इनके सामने। सबसे पहले जो हमने टेस्ट किया वो है मेसी टेफे का, जिसने 11 मिनट 45 सेकंड में 740 ml जो है डीजल लिया है। 17 फीट की चौड़ाई में उसने वर्क किया है। डेप्थ उसकी 8 से 9 के बीच में रही है। और उसके बाद हमने कुबोटा को चलाया जो कि 9 मिनट 2 सेकंड चला, 600 ml उसने डीजल लिया। और उसके बाद फार्मेटेक जो कि 10 मिनट 49 सेकंड चला, 780 ml लिया। 17 फीट की चौड़ाई में उसने काम किया और डेप्थ जो रही 8 से 9 के बीच में तीनों की रही। स्लिपेज के मामले में मेसिन थोड़ा सा ज़्यादा स्लिप हुआ, उसके बाद फार्मेटेक और कुबोटा ना के बराबर स्लिप हुआ है। तो दोस्तों आज हमने तीनों ही जो ट्रैक्टर है, कुबोटा MU4501, फार्मेटेक 45, टेफे 241, तीनों ही ट्रैक्टर का हमने फील्ड में टेस्ट किया। सारे रिजल्ट आपके सामने स्क्रीन पर है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसके रिजल्ट लिख दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगला वीडियो और हम इस पर लाएंगे, काफ़ी अच्छा वीडियो आने वाला है, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, जल्दी मुलाकात करेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय किसान।